Hermeltad. विश्वास नहीं आ रहा अपने भागों पर, अपनी आंखों पर भी। मैं ना कहती तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है, देखा तुम्हारे अंदर की मोहब्बत तुम्हें कैसे खींच लाएगी मेरे कमरे तक। जरा भी डर नहीं लगा होगा ना, सीधे चले आए होगे मेरे कमरे तक, है ना? मोहब्बत में डरना कैसा, मोहब्बत में तो अपनी जान भी कीमती नहीं लगती और ना ही उसकी जिससे मोहब्बत हो जाती है। और भला मोहब्बत और जान का क्या ताल्लुक, जान तो है ही आनी जानी चीज, है ना? बैठने के लिए भी नहीं कहा, आओ यहां बैठो मेरे पास, बैठो। बहुत याद आ रही थी ना मैं, कहो ना, बहुत याद आ रही थी ना मैं। मुझे जो आपसे कुछ जरूरी बातें कहनी थी। आज सिर्फ मोहब्बत की बात सुनूंगी मैं, मोहब्बत के बारे में ही कुछ कहने आया तो कहो ना, लेकिन जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कहो, मुझे भी बहुत कुछ कहना है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं और आप मोहब्बत नहीं कर सकते। क्यों? क्या हमें मोहब्बत करने के लिए भारतीय सरकार और पाकिस्तानी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी? शायद ऐसा भी है, मगर बात सिर्फ यही नहीं है। फिर इंसान सिर्फ अपने अपने मुल्क की सरकार के शिकंजे में नहीं फंसा हुआ था, कई मामला तो और भी होते हैं जो इंसान के गिर्द सरदों की तरह कांटों लगी बाढ़ खींच देते हैं, और उस बाढ़ को फलांगना ना मेरे लिए मुमकिन है ना आपके लिए। कैसी बाढ़? मैं अब बाढ़ पर हार सकती हूँ तुम्हारे लिए, चाहे उसमें कितने ही कांटे क्यों ना हो। इस मोहब्बत का अंजाम सोचा है कभी? हाँ, हम दोनों देश छोड़ देंगे, भारत भी पाकिस्तान भी, हम कहीं और चलेंगे, किसी दूसरे देश, चाहे तीन वक्त की रोटी ना मिले, मगर मोहब्बत करने के लिए किसी सरकार से इजाजत ना लेनी पड़े। फिर शादी कर लेंगे हम, वहां छोटा सा घर बसाएंगे, चाहे बगैर छत की से। हम शादी नहीं कर सकते, हम दूसरे देश जाकर शादी करेंगे ना। हम फिर भी शादी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमान हूं और आप हिंदू,
क्या हुआ? भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां की हुई हैं। मगर मुसलमान को ऐसी शादी की इजाजत नहीं है। कौन इजाजत नहीं देता? सोसाइटी तो सोसाइटी की बात नहीं है, मेरा रब इसकी इजाजत नहीं देगा। रब? रब जिसके नाम पे मैं मुसलमान हूं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से नहीं रोकूंगी। हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने अपने धर्म पर चले। मुझे पता है कि हर इंसान का धर्म उसका जाति मामला है। हमारी जिंदगी हमारा पर्सनल मसला नहीं होती, हम अपनी रब की मर्जी से मोहब्बत करते हैं, हम शादी भी उसी की मर्जी से करते हैं। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, वो सब उसी की मर्जी पे मुकर्रर है। हम कभी कभी उसका कहना नहीं मानते, और बहुत सी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उसकी उसी तरह ताबे होती हैं, जिस तरह जानवरों का बहुत बड़ा रेवड़ एक ही चरवाहे के पीछे पीछे अंधाधुंध दौड़ा चला जाता है, चाहे उन जानवरों को कितनी ही प्यास को ना लगी हो, चाहे रास्ते में पड़ी हरियाली को कितना ही मुंह मारने को जी चाहता हो, अगर क्योंकि चरवाहा नहीं रुक रहा, वो हांकता चला जा रहा है कि आओ मेरे पीछे आओ, कि तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये पानी ये हरियाली कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। बस इसी तरह हमारी बड़ी बड़ी पागल कर देने वाली ख्वाहिशें यूं ही उसके एक हुक्म पर दौड़ी चली जाती हैं। तो तुम्हारा रब तुम्हें मुझसे शादी की इजाजत नहीं देगा? नहीं। अगर मैं इजाजत मांगू? फिर भी नहीं। अगर मैं मुसलमान होती तो भी इजाजत दे देता? हाँ। तो मैं मुसलमानों की तरह तुमसे शादी करूंगी? नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस तरह शादी करता है, उसे सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो सिर्फ उसकी खातिर मुसलमान हो। बहुत सख्त है वो। बहुत बहुत सख्त, इतना कि हम बेख्तियार उसके सामने पिघल कर रह जाते हैं। तुम उसे छोड़ नहीं सकते? नहीं, नहीं। बहुत डरते हो उसे? हाँ, उसे जो मुझसे मोहब्बत है उसकी सख्ती और गिरफ्त से डरता हूं, और ये भी जानता हूं कि मैं सिर्फ उसका हूं और उसी के लिए। तुम सिर्फ उसके हो? हाँ, सिर्फ उसका।